नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज। और आज के वीडियो में हम मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पाइप एंड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, सिस्टर्न, नल और टंकी के बारे में बात करेंगे। ये किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, टाइम एंड वर्क से पूछे जाते हैं। अगर आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टर्न में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क ही है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया होगा पाइप और मतलब नल और टंकी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा कि एक नल किसी टंकी को कितने समय में भरेगा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, टाइम और वर्क ही हो रहा है ना, कुछ टाइम में कुछ वर्क हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करें तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, हम लोग को क्या करना है कि अगर टंकी खाली होता है, टंकी अगर भरता है मतलब फिल होता है, तो हम लोग को याद रखना है कि प्लस करना है। टंकी अगर एम्प्टी होता है मतलब खाली होता है, तो आपको क्या याद रखना है, माइनस करना है। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। और जो भी टाइम होगा, जो भी वर्क होगा, उसको क्या कीजिएगा, वन अपॉन में कर लीजिएगा, मतलब वन बटे में एक्स, जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग करते थे सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। बट आपको इसमें याद रखना है कि टंकी जब भरेगा तो प्लस हो जाएगा, खाली होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर वन को देखते हैं, टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा टाइप वन क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में पूछा गया है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, दो पाइप एक टंकी को ए और बी है, 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल लिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा, मतलब 1/10 कर दीजिए, भरना है 1/12 कर दीजिए। यहाँ पे क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 12/5 60 हो जाएगा, मतलब 11/ क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो टाइम लगेगा वो 60/11 टाइम लगेगा। बट रेलवे आपको जब भी आंसर देगा तो फ्रैक्शन में देगा, तो इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 5 फ्रैक्शन 11/55 और यहाँ 5 हो जाएगा। तो 5 पूर्णांक 5/11 आवर हो जाएगा, 5 पूर्णांक 5/11 आवर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है, टाइप टू क्वेश्चन नंबर टू में देखिएगा, पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल लिए जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर टू में। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, मतलब 1/10 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1/10 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2/ कितना आ जाएगा, 2/60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/60 आ जाएगा। तो दोनों नल एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा, ये पूछा है। तो 2 × 2 = 30 बार में कट जाएगा, मतलब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 30 आवर लगेगा, 1/30 था ना, तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 30 आवर आपका टाइम हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग टाइप थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन, दो पाइप मिलकर एक टंकी को 6 घंटे में भरे ते है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में अकेले भरता है। ठीक है ना, एक पाइप एक टंकी को अकेले 10 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप अकेले उसे कितने देर में भरेगा। तो यहाँ भरना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो पाइप है वो 10 घंटे का समय लेता है, पहला पाइप लेता है 10 घंटे का समय लेता है लिखा हुआ है, प्लस में दूसरे पाइप का हम लोग को नहीं पता कि कितना घंटे का समय लेता है, बट दोनों साथ में हो जाएंगे तो 6 घंटे का ही समय लेगा। मतलब आपको क्या करना है, 1/x का जो वैल्यू निकल जाएगा, 1/6 माइनस में क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो के कितना हो जाएगा, 1/x का जो वैल्यू हो जाएगा, 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 − 3 हो जाएगा, मतलब 2/30 हो जाएगा, मतलब जो दूसरा पाइप है वो 15 घंटे का समय लेगा, 1/15 आ गया, मतलब जो बी पाइप हो जाएगा, पाइप बी वो कितना समय लेगा, 15 आवर का समय लेगा टंकी को भरने में। ठीक है, तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, क्वेश्चन नंबर तीन को। ठीक, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार, टाइप चार को देखते हैं। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, परंतु टंकी
कि तली में छेद होने के कारण टंकी 15 घंटे में भरता है, ठीक है। यह टंकी, यदि टंकी पूरी भरी हो तब छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ खाली हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को भी काफी आसान तरीके से बना सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, खाली हो रहा है टंकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भरता था, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, खाली हो रहा है, ठीक है, इतना ही अंतर है। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, तो पाइप ए मान लीजिए कि 10 घंटे का समय लगाता है पाइप ए, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण 15 घंटे में टंकी खाली हो जाता है, ठीक है, 15 घंटे में टंकी खाली हो जाता है। यदि टंकी पूरी भरी है तो 15 घंटे में टंकी खाली हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 15 घंटे लग जाता है दूसरे पाइप के कारण जहाँ से खाली हो रहा है। अब यहाँ क्या करना है, टाइम पूछा आपसे, 1/10 माइनस में 1/15, बस इसको सॉल्व कीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, और यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 1/30, मतलब 30 घंटे में ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, ठीक है। 30 घंटे में ये टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और आपसे क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, ठीक है ना, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, टाइप पाइप, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, टाइप पाइप को देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टाइप फाइव देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे उससे 16 मिनट लिखा हुआ है, 16 मिनट ज्यादा समय में नल ए टंकी को भर सकता है, नल बी 25 मिनट ज्यादा समय में टंकी को भर देता है, तो दोनों नल एक साथ खोले ने पर टंकी कितनी देर में भरेगी। तो देखिएगा यहाँ टाइम जो निकालना है, दोनों नल अगर एक साथ खोलेंगे तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है। नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं उससे 16 मिनट ज्यादा ए लेता है भरने में, और बी क्या लेता है, 25 मिनट ज्यादा लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए ए का टाइम गुना में बी का टाइम, मतलब यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो अप्लाई किया है रूट ए गुना में बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट खाली करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आप देखिए, अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी एक छिद्र खुले रहने के कारण भरने वाले नल का एक तिहाई पानी बह जाता है, ठीक है ना, एक तिहाई पानी क्या होता है, बह जाता है। उसके बाद इस स्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है कि ए 12 घंटे में भरता है, बट छेद होने के कारण एक तिहाई पानी बह जाता है, मतलब रिमेनिंग पानी अगर निकालेंगे तो रिमेनिंग 1 - 1/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 पानी बचा रहेगा टंकी में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, रिमेनिंग अभिष्ट मतलब कॉमन टाइम निकालना है, तो 12 को भागा कर देंगे 2/3 से, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 12 × 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 18 घंटे, इस कारण क्या लग जाएगा, 18 घंटे का समय लग जाएगा टंकी को भरने में। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 7 में पूछा गया है कि पाइप ए और पाइप बी टंकी को क्रमशः 32 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं, यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तब कितने समय बाद ए को बंद किया कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 20 मिनट में भर जाए, टंकी पूरी तरह 20 मिनट में भर जाए। अब देखिएगा यहाँ पे ए को बंद किया जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाइएगा, ए इक्वल टू में नहीं टी इक्वल टू में ए इंटू में बी माइनस में टाइम, जो टाइम जिस टाइम पे ये मतलब जो टाइम दिया है 20 मिनट में पूर्णतः भर जाए, तो ये टाइम हो गया, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है, 32 मिनट दिया हुआ है, और बी का वैल्यू कितना दिया है, 40 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, 32 हो जाएगा, और यहाँ 40 माइनस में क्या हो जाएगा, 40 माइनस में क्या हो जाएगा, 40 माइनस में 20 हो जाएगा, 40 माइनस में 20 है, बाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बाई 40 हो जाएगा बी का जो समय लगता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं और यही पे सॉल्व करते हैं, तो
तो 32 गुना में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये 1 0 से 1 0, 2 से ये कट गया 16 बार में, तो मतलब जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 16 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो जो पूछा गया था वो 16 मिनट हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। नल ए पानी की एक टंकी को 25 मिनट में, बी 40 मिनट में, सी 30 मिनट में खाली कर देता है। ठीक है, दो नल भरते हैं और एक नल क्या करता है, खाली करता है। ध्यान दीजिएगा, खाली करेगा तो माइनस हो जाएगा। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद टंकी को या तो भर देगा या खाली कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 में क्या हो जाएगा, पहले 1/25 प्लस में 1/40, 1/25 प्लस में 1/40 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1/30 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भरता है, नल बी उसी टंकी को 40 मिनट में भरता है, और नल सी क्या करता है, 30 मिनट में खाली करता है। यदि तीनों नल को खोल लिया जाए एक साथ तो टंकी कितने समय बाद या तो भर जाएगा या खाली हो जाएगा। तो पहला नल कितना लिखा, 1/25, पहला नल कितना लिखा, 1/25 है। दूसरे नल के बारे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे नल के बारे में लिखा हुआ है कि 40 मिनट में भरता है, मतलब 1/40 हो जाएगा। और तीसरा नल क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो यहाँ 60 कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम, और 25 से भागा दीजिएगा तो 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा 2, और 25 दूना 50, 25 चौके, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 22 आ जाएगा ना, चाहिए 24 आ जाएगा, 24, 25 चौके से 24 आ जाएगा, 25 से भागा देंगे तो, और 15 चौके 60, मतलब यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 39 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19/600 हो जाएगा। ठीक है, इतना समय लगेगा, 19/600 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप 19/600 को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 31 पूर्णांक 11/19 मिनट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमने बना लिया, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो टाइप 10, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में, लेकिन रिसाव के कारण टंकी भरने में उस नल को 5 घंटे लग जाते हैं, बहाव के कारण कहीं लीकेज होगा। यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ट्रिक मैं बताऊंगा, उससे बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे कि जो टाइम है ना, जो कितने समय में, तो ए इंटू बी कीजिएगा, बटे में ए माइनस बी कीजिएगा, ए माइनस में बी। अब ए कितना होता है, 4 घंटे 5 घंटे लिखा हुआ है, और बी माइनस ए कर लीजिए, 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 आवर हो जाएगा, या 20 आवर ही दिया हुआ, मतलब 20 घंटे आपका आंसर होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है और कितने आसानी से हमने बना लिया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में उस नल को 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि पूरी टंकी भरी हो तो रिसाव के कारण कितने देर में खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, सेम क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला यही पे रहेगा। अब इसमें क्या होता है, रिसाव के कारण 1 घंटा ज्यादा लगता है, मतलब एक्चुअल 4 घंटा लगता है और रिसाव के कारण 1 घंटा ज्यादा लग जाएगा। अब इसी तरह 5 में से 1 को घटा लीजिए, आपका फिर से क्या आ जाएगा, 20 आवर। तो क्वेश्चन को क्या किया, चेंज किया गया, सेम क्वेश्चन था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा ध्यान से। एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल उसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। ये टंकी पहले से ही 3/4 भागे भरी हो तो दोनों नल एक साथ खोलने पर टंकी कितने मिनट में खाली हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 11 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 11, और इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 11 देखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हम लोग हटाते हैं और दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है। एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, तो कितने मिनट में भर सकता है, 12 मिनट में भर सकता है,
और दूसरा नल क्या करता है, 8 मिनट में खाली करता है, ठीक है। तो दो नल है तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे, तो एक खाली करता है एक भरता है, तो ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम मुझे लगता है कि 24 आना चाहिए, दुना हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, मतलब 1/24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा, ठीक है। 1/24 हमने निकाल लिया। उसके बाद आपसे पूछा गया यहाँ पे कि यदि टंकी पहले से एक चौथाई भरा होगा, टंकी पहले से कितना भरा हुआ है, एक चौथाई भरा हुआ है, ठीक है। तो भरना कितना है, 3/4। तो दोनों नल एक साथ है, खोलने पे टंकी कितने समय में भर जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक 24वां भाग 1 आवर में, 1 घंटे में 1/24 भाग फिल होता है, और यहाँ 1/4 भाग भरा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3/4 भरा हुआ है, 3/4 भरा हुआ है, 3/4 यहाँ पे भरा हुआ है। तो 3/4 के भाग खाली होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है, पूछा आपसे। तो 3/4 भाग खाली होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3/4 भाग भरा हुआ है, तो 3/4 भाग खाली होने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। क्वेश्चन में सब चीज लिखा हुआ है, तो यहाँ 3/4 भाग खाली होने में लगा समय क्या हो जाएगा, 24 से 24 गुना में 3/4 हो जाएगा, 24 गुना में 3/4 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये हो जाएगा 6/18। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया। अब दोस्तों देखिएगा एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला गया है कि किसी हौज में 3 नल ABC लगे हुए हैं, जो क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं। पहले नल सी खोल लिया जाता है, उसके बाद 5 मिनट B नल को खोल लिया जाता है, पुनः 9 मिनट के बाद नल ए को खोल लिया जाता है, तो बताया कि हौज ए कितने मिनट में भरेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हौज ए बी सी दिए हुए, मतलब नल दिए हुए 20 मिनट, 30 मिनट और 60 मिनट अलग अलग भर सकती है। पहले नल सी को खोल लिया जाता है, उसके 5 मिनट बाद B को खोला जाता है, पुनः 9 मिनट बाद A को खोला जाता है। बाद यहाँ लिखा हुआ है, तो पूरा टाइम मान लेते हैं कि एक्स लगता है, तो एक्स में से 9 घटाएंगे तो ए का हो जाएगा टाइम, और अपॉन में 20। टाइम एंड वर्क में ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है, प्लस में क्या हो जाएगा, दूसरा नल बी के बारे में कहा जा रहा है कि 5 मिनट बाद, तो 5 मिनट कम मिलेगा बी को समय, बटे में 30 हो जाएगा। और तीसरे नल के बारे में बात किया जा रहा है कि टोटल टाइम मिलता है, तीसरे नल का समय लगता है 60 मिनट, और यहाँ पूरा जो टंकी है या तो भर जाएगा, पूरा टंकी भर जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व कीजिएगा एलसीएम यहाँ लीजिएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, मतलब 3x-27 हो जाएगा, 3x-27 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x-10 हो जाएगा, प्लस में एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 5 और 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 37 हो जाएगा, इक्वल टू में 60 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको इस यहाँ तक आपने सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इसके बाद 6x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 97। जब इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिएगा तो 97/6 हो जाएगा, 16.1/6 हो जाएगा। जितना भी मिनट में होगा तो मिनट में टाइम लगेगा, और आवर में होगा तो आवर में लगेगा, तो बट यहाँ पे मिनट में दिया है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 16.1/6 मिनट। तो जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों सभी हमने बना लिया। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।